60,000 वर्ष के हो गए दशरथ जी, लेकिन कोई संतान नहीं। क्यों संतान नहीं हुई? बोले दशरथ जी को संतान इसलिए भी नहीं हुई कि दशरथ जी इतने पुण्यात्मा हैं कि उनके पुण्य के कारण उनको संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। बोले पुण्य से तो बेटा बेटी होना ही चाहिए, और यहां तो पुण्य के कारण ही बेटा बेटी नहीं हुए। बोले पुण्य के कारण इसलिए कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि पूरे ब्रह्मांड में उनके समकक्ष कोई पुण्यात्मा जीव ही नहीं है जो इनका बेटा बनकर के आ सके। पुण्यात्मा के घर में जो बेटा बनेगा उसको भी तो पुण्यात्मा होना चाहिए। पुण्यात्मा के घर में जो संतान बनकर के पैदा हो उस जीवात्मा में भी उस कोटि का पुण्य होना चाहिए। विश्वामित्र और वशिष्ठ का पुत्र बनने का पुण्य होगा, वही ना उनका बेटा बनेगा। तो दशरथ जी महाराज के कुल में पुत्र बनकर के उत्पन्न होने की योग्यता ब्रह्मांड में किसी जीव में नहीं थी। ब्रह्मा जी ढूंढते रहे कोई जीव मिले तो मैं इनका बेटा बना करके भेज दूं, लेकिन कोई जीव उस कोटि का मिला नहीं। और इसी प्रतीक्षा में 60,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान ने विचार किया अब मुझे ही बेटा बनकर के चलना चाहिए। जब कोई पुण्यात्मा जीव नहीं मिला तो भगवान ही इनके बेटा बनकर के आए, और एक रूप में नहीं चार चार रूपों में आए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, चार चार रूपों में भगवान दशरथ जी के बेटा बनकर के आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रु। दशरथ जी महाराज को जब कोई संतान नहीं, दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई, और चिंता जब हुई तो अपनी चिंता को दशरथ जी ने जाकर के अपने गुरु जी को सुनाया महाराज। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भे कलानी मो रे सुतनाई, भे कलानी मो रे सुतनाई, सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई। जी को बड़ी चिंता हुई, मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कुल की परंपरा कैसे चलेगी। और इस चिंता से व्याकुल होकर दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपना दुख सुख अपने गुरु जी को सुनाया। ये बड़ी सुंदर बात है, ये हमारे आपके जीवन के लिए सूत्र है। हमारे आपके जीवन में भी दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। दुख भी आएगा चला जाएगा, सुख भी आएगा चला जाएगा। जीवन में दुख सुख आएंगे, लेकिन दुख सुख सबको नहीं सुनाना चाहिए। बहुत दुख हुआ आपको और सबको सुनाते रहो, अरे हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़ी परेशानी में, इसका परिणाम क्या होगा? बोले सुनने वाला तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर पाएगा, बल्कि सुन करके तुम्हारे दुख को वो हंसेगा, मजा लेगा। रहिमन निज मन की व्यथा आप ही राखो गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं
को, इसलिए दुख भी किसी को मत सुनाओ, सुख भी मत सुनाओ। क्यों? बोले सुख सुनाओगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या होगी, बड़ा सुखी हो गया, लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे। इसलिए सुख दुख संसार के प्राणियों को नहीं सुनाना। दुख सुनाओगे कोई दुख दूर नहीं करेगा, सुख सुनाओगे लोगों के मन में ईर्ष्या होगी। इसलिए दुख सुख तो केवल दो व्यक्ति को सुनाना चाहिए। जीवन में दुख हो तो या तो गुरु को सुनाओ या तो गोविंद को सुनाओ, तीसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। गुरु को सुनाओगे गुरु कोई उपाय बता देंगे, गोविंद को सुनाओगे तुम्हारे दुख का निराकरण हो जाएगा। इसलिए दुख और सुख केवल गुरु गोविंद को सुनाना चाहिए और किसी को नहीं। दशरथ जी ने अपना दुखड़ा किसी और के सामने नहीं रोया, दशरथ जी ने जाकर के अपने गुरु जी को बताया। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और जब सुनाया तो उसका परिणाम मिला। दूसरे को सुनाते तो लोग इतना ही तो करते, हां महाराज हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे आपको बेटा हो जाए, आपको बेटे की जरूरत है, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता था। लोग इतनी ही सांत्वना दे सकते थे, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या किया? बोले कह वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया और कहा धरहु धीर, धैर्य धारण करो, एक बेटे के लिए परेशान हो, धरहु धीर हुई है सुत चारी, चार बेटा होगा, एक नहीं चार चार। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय आरी, त्रिभुवन विदित भगत भय आरी। धरहु धीर, धैर्य धारण करो, हुई है सुत चारी, चार बेटे होंगे। उपाय बता दिया। गुरुजी को सुनाने का फल क्या मिला? बोले बेटे पैदा होंगे, चार बेटे होंगे, ये आश्वासन मिल गया। गुरुजी ने कहा हुई हैं सुत चारी, और कैसे होंगे? बोले अरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे। बोले तब, बोले त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, जिनकी कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त होगी, अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, ऐसे सुंदर चार योग्य पुत्र प्राप्त होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने समाधान कर दिया। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से और अपने पुरोहितों से प्रार्थना की इसके लिए क्या करना होगा। दशरथ जी ने तो अपने तरफ से यह भी कहा कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ मैं करूं। पुत्र के लिए सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हूं, क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए बाजी मेध माने अश्वमेध यज्ञ मैं करूं। वशिष्ठ जी ने और मंत्रियों ने और अन्य आचार्यों ने समर्थन किया। बोले बहुत अच्छी बात, आप यज्ञ करो। निर्णय हुआ सरयू जी के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, सारी वस्तुएं संग्रहित की जाएं। और दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव आपके निर्देश में यज्ञ हो, जिससे कोई कमी न रहे। यज्ञ में अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है, विधि का लोप हो जाता है, तो यज्ञ का फल जो होता है वो राक्षस लोग ले लेते हैं। विधि से हीन यज्ञ करने पर यज्ञ करने वाले का अनिष्ट हो जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये कमी ढूंढते रहते हैं।
आप यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तो वो कमी ढूंढते हैं, और कमी अगर उनको कोई मिल गई तो उस कमी के आधार पर आपके यज्ञ के फल को वो राक्षस नष्ट कर दे। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता। ये विधिहीन क्या है? बोले जिस यज्ञ में यज्ञ करने वाला अनधिकारी हो, यज्ञ कराने वाला भी अनधिकारी हो, यज्ञ करने वाला भी अगर अधिकारी नहीं है तो उसके द्वारा किया गया यज्ञ विधिपूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञ करने वाला अधिकारी हो लेकिन कराने वाला अधिकारी नहीं है तब भी वो विधिहीन कर्म होगा। कराने वाला अधिकारी है लेकिन उसके मुख से जो मंत्र उच्चरित हो रहा है वो मंत्र अगर अशुद्ध है, गलत है, उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वो विधिहीन यज्ञ हो जाता है। आज तो ये स्थिति है महाराज, कोई भी मंत्र बोल करके कोई भी पूजा करा दे, जजमान को क्या पता कि मंत्र का मतलब क्या हो? और ऐसी स्थिति में उन कर्मों का कोई फल नहीं होता, ये पक्की बात। जिस कार्य के लिए जो मंत्र शास्त्र में कहा गया उन मंत्रों का पहले अध्ययन करना चाहिए, इसीलिए गुरुकुल में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता होती है, पढ़ करके तब उन विधि विधानों को कराना चाहिए, और यजमान को भी इन विषयों को जानना चाहिए। राम जी भी गुरुकुल में गए वेद पढ़ने के लिए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो राम जी वेद पढ़ने क्यों गए? राम जी को कोई जजमानी करनी थी क्या? वो कोई पुरोहित थे क्यों वेद पढ़ने गए राम जी? ये अगर कोई प्रश्न करे तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर यही है कि राम जी को जजमानी नहीं करनी है लेकिन राम जी को जजमान बनना है। तो जिसे जजमान बनना है उसे भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। कराने वाले को तो ज्ञान हो लेकिन करने वाले को भी ज्ञान हो। क्यों? बोले कराने वाला, पूजा कराने वाला कहीं भटक जाए तो करने वाला ही उसको याद दिला दे, पंडित जी आप भूल गए यहां, ऐसा होना चाहिए। ये ज्ञान जिस दिन जजमान के अंदर आ जाएगा, कर्मकांड और वैदिक विधाएं शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी और उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई पड़ने। आज फल क्यों नहीं दिखता? न जजमान को ज्ञान रहा, न पंडित को ज्ञान, यह स्थिति है। एक पंडित जी ब्याह कराने गए, सिंदूर दान कर रहे हैं तो मंत्र तो याद नहीं था तो क्या बोल दिया? बोले लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगे, वज्र देह दानो दलन जय 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 कबसूर, सिंदूर दान करो। हो गया सिंदूर दान। तो कुछ भी गा बजा करके, मैं समस्त पंडितों के लिए नहीं कह रहा, अच्छे विद्वान भी, बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान है महाराज, जिनको शास्त्र की सारी विधियां मालूम है और बड़े ही नियम से सारे कर्म का संपादन कराते हैं, ऐसे आचार्य ब्राह्मण भी विद्यमान हैं, लेकिन ऐसे अनर्गल लोग भी। तो जब विधि से हीन कर्म होता है, करने वाला अधिकारी नहीं, कराने वाला अधिकारी नहीं, मंत्र की अशुद्धि, काल की अशुद्धि, वस्तु की अशुद्धि, संकल्प की अशुद्धि, तो ये सब सारी चीजें जब बिगड़ जाती हैं तो यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं विधि, विधि से हो, जिसलिए जो जिसकी जो विधि है, जो विधान शास्त्र ने कहा उसका पूर्णतया पालन हो, तब वो कार्य विधि पूर्वक होता है, और विधि पूर्वक होने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए विधि में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, विधि में समझौता नहीं करना चाहिए, विधि में अधिक से अधिक शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त हो। तो दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है, इसलिए विधि पूर्वक यज्ञ हो, इसलिए आपका निर्देश प्राप्त हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ठीक, और फिर तो वशिष्ठ जी के निर्देश में दशरथ जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा
तीनों माताएं अंतर्वत्नी होती हैं और फिर चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। अब राम जी के प्राकट्य की कथा, राम जी का जन्म महोत्सव कल की कथा में हम लोग मनाएंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम करते हैं। आज